हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवरी मंच। और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ बीटरूट का हलवा बनाना, जो बहुत ही फटाफट बन जाता है और हेल्दी होता है ये। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो बीट लिया है मैंने, जिसके मैंने छिलके अच्छे से उतार के रख लिए हैं। उसके लिए मैंने खवा लिया है जो मैंने घर पर ही बनाया है। शक्कर पीस के मैंने लिया है, कुछ बादाम कट कर लिए हैं मैंने, और इलायची पाउडर लिया है उसके लिए। तो अभी सबसे पहले हम इसको ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, ऐसे ही करके सारा बीटरूट ग्रेट कर लिया है मैंने। और अभी मैंने एक कढ़ाही रखा है, इस पे मैंने एक चम्मच घी डाला है इसमें। अभी घी को अच्छे से पिघला देंगे और उसके बाद हम इसमें बीटरूट जो हमने ग्रेट करके रखा है उसको ऐड करेंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे। ये बीटरूट का जो हलवा होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, अगर आपको खून की कमी हो गई हो तो ये खाने से खून की कमी जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। हीमोग्लोबिन बहुत फास्ट बढ़ाता है, तो इसे ज़रूर बनाएं। तो इसको मैंने अच्छे से भून के फिर इसमें मैंने आधा कप दूध ऐड कर दिया है। तो आप अपने बीटरूट के हिसाब से दूध का मात्रा बढ़ा लें, ये काफ़ी फास्ट बन के तैयार हो जाता है। बहुत लोग हैं जो कच्चा बीट खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग ऐसे हलवा बना के इसे खा सकते हैं, जो टेस्टी लगता है और सेहतमंद भी होता है। तो आप ऐसे ही बना के खाएं। ये बीटरूट जो है वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो जो लोग डेली बेसिस पे इसे खाते हैं, कट करके खाते हैं, तो उनको ये बहुत ही फ़ायदा देता है। अभी अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शक्कर ऐड कर दें। ये मीठा होता है तो इसमें शक्कर बहुत ही कम मात्रा में डालें, और शक्कर डाल के फिर इसको अच्छे से फ्राई करके थोड़े देर के लिए ढक दें पानी सूखने तक। मैंने इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है, अब इसको ढक के रख देना है। गैस का फ्लेम अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहें, इसको जलने ना दें। तो ये देख रहे हैं शक्कर ने पानी छोड़ा था, वो अभी सूख रहा है अच्छे से। तो ये देखिए हलवा सूख गया है लगभग। अभी मैं इसमें खवा ऐड कर रही हूँ, ये खवा मैंने घर पे ही तैयार किया था। आप चाहे तो इसका वीडियो देख सकते हैं, मैंने खवा बनाने का वीडियो पहले से ही डाला हुआ है इसमें, तो आप घर पे बना के खवा यूज़ कर सकते हैं इस हलवा के लिए। घर के बने खवा से काफ़ी टेस्टी बनता है ये, तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करें। और ये देखिए हलवा रेडी है, तो आप ज़रूर बनाएं, खाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका हलवा कैसा बना था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।